हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग रेल टेस्ट का असेसमेंट करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि आप लोगों ने कैसे किया था। तो झारखंड में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है रेल, जिससे कि हर मंथ में आपका टेस्ट लिया जाता है। क्लास 1 से 12 तक सारे ही सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला टेस्ट देखेंगे। तो ये देखो, ये 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, यानी 1.5 घंटे का, और 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस पर्पस से काफ़ी अच्छा है, आपका एक बार रिवीजन हो जाता है कि आपने कैसी तैयारी की है। तो चलो देखते हैं। ये है हम लोगों का रिलेशन फंक्शन और ट्राइगोनोमेट्रिकल इन्वर्स, ठीक है। जो पहला दो यूनिट है एनसीईआरटी का, उसका टेस्ट है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आया था। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो कि टोटल यहाँ पे 40 मार्क्स है, ठीक है। और आपको सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है जी। तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने देखा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आर कोई रिलेशन है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो बोलता है कि अगर आर आपका ऑर्डर पेयर ए बी है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, और रिलेशन आपका ए प्लस बी इक्वल टू 5 है, बी ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे कंडीशन करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको चूज करना है। कुछ मिस्टेक है प्रिंटिंग में तो उसको आप करेक्शन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपका बिलोंग्स टू लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। मतलब बोलता है कि क्या 2 3 जो है रिलेशन में आएगा, 4 2 आएगा, 2 1 आएगा, 5 0 कौन सा आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको काम करना है क्या, नेचुरल टू नेचुरल नंबर, ये आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते थे वैसे बनाइए। और आपका ए और बी दोनों क्या होगा, दोनों नेचुरल नंबर होगा, पहले ये ध्यान देना है। और बी ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है जी। देखो तो इसका तरीका ये होगा कि आर आपको दिया हुआ है क्या, ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, सच दैट क्या ए प्लस बी इक्वल टू 5। तो मैं यहां से ए को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहां से ए को लिख सकता हूँ 5 माइनस बी, ठीक है। तो अब आपका आर क्या आ जाएगा, आर हमारा आ जाएगा, ए को हटा करके इस ए का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 माइनस बी कॉमा बी। बी को वैसे ही रखेंगे, सिर्फ हम ए को हटा दिए। और ऐसा इसलिए किए कि हमको बी का कंडीशन दिया हुआ है कि बी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी बी हमको 1 से बड़ा लेना है, ठीक है जी। और बी है आपका क्या, नेचुरल नंबर, चूंकि ए और बी जो भी लेंगे हम नेचुरल नंबर लेंगे। तो यानी बी में क्या ले सकता हूँ, बी में ले सकता हूँ 2 3 4 इस तरह का नंबर, ठीक है। तो इस केस में आर क्या आएगा, देखो तो आर शुरू होगा कैसे, बी को 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो पहला वैल्यू होगा 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आप 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है जी। फिर आप क्या रखोगे, फिर आप 4 रखो, 4 रखोगे तो 5 माइनस 4 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो मेरा बी है वो क्या होगा, बी मेरा 4, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या 5 रख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप 5 रखेंगे ना, जहाँ आप बी का वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये जो है टर्म, ठीक है, ध्यान दीजिए इसको, ये जो टर्म है मेरा 5 माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, जबकि हमको पहला जो भी एलिमेंट लेना है, जो भी मेरा इनपुट होगा वो भी मेरा कहाँ से होगा, नेचुरल नंबर से होगा, जो भी आउटपुट होगा वो नेचुरल नंबर से, ठीक है। यानी पहला वैल्यू भी नेचुरल होना चाहिए, दूसरा वैल्यू भी नेचुरल होना चाहिए, ओके। तो मैं बी को 5 नहीं रख सकता, तो मैं 4 तक ही रखूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यानी आपका रिलेशन यहाँ पे क्लोज हो गया, इससे आगे आपका रिलेशन नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है ना। तो बी को देखो, चूंकि 1 से आपको बड़ा लेना था, तो 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, तो 2 रखे बी के प्लेस पे, तो ये आ गया। जहां जहां बी है दोनों जगह रखिएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 4 रखेंगे तो ये, इसके बाद मैं 5 नहीं रख सकता, चूंकि 5 रखने से क्या हो जाएगा, ये आपका 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। और उसके बाद जो भी रखोगे आप, तो फिर वो निगेटिव वैल्यू आएगा, और निगेटिव नेचुरल नहीं होता है, तो यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया, ठीक है। तब आप देख सकते हो कि 3 2 ये रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, और 1 4 रिलेशन में है। तो 2 3 पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है, 2 3 रिलेशन में है, ऑप्शन 1 करेक्ट। 4 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 2 1 भी नहीं है, और 5 0 भी नहीं है, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ऐसे आपको करना है, ठीक है। बट आपको देखो ये आपका बुक में नहीं था, हाँ, एनसीईआरटी से अलग हट करके आपको दिया है। तो इस तरीके से क्या है कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। 2 बोलता है कि इफ ए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर,
दिस कंडीशन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है जी। तो ये हम लोग देखो जानते हैं कि अगर सेम टू सेम मतलब ए ए सेम टू सेम अगर एलिमेंट अगर आपका रिलेशन में मिलता है फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ये कोई सेट से होता है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई ना कोई यहाँ पे सेट होना चाहिए, तो आप इससे कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये कुछ कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो सेट के हर एलिमेंट के लिए अगर ये मैपिंग हमको मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री देखो। थ्री क्या बोलता है, थ्री बोलता है आर एक रिलेशन है सेट ए में, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि मान लो आप ऐसे लिखते हो आर को, कुछ भी इस तरीके से लिखते हो, ठीक है, 1 5 2 7 3 8 ऐसा कुछ भी लिखते हैं ना। तो इसमें जो पहला एलिमेंट का कलेक्शन होता है वो क्या देता है, वो देता है डोमेन। मतलब यहाँ पे अगर मैं डोमेन निकालूँ तो डोमेन मैंने बताया था क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, यानी 1 2 3 यहाँ पे डोमेन है, ठीक है। तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ना वो क्या होता है, वो डोमेन को बताता है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब यहाँ पे बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए आप किसका, कॉस इनवर्स रूट 3/2 का, ठीक है जी। तो जो कॉस इनवर्स का, ठीक है, कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग जानते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है रेंज का वो क्या होता है, वो होता है -π/2 से π/2, क्या होता है जी, सॉरी 0 से π, -π/2 से π/2 आपका साइन का होता है, इसका क्या होता है, इसका 0 से π होता है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज है, ठीक है। सब मैं आपको पढ़ाया हूँ अच्छे से, तो अब यहाँ पे आपको बस इसके अंदर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल है, कॉस इनवर्स है रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है कॉस 30° का, यानी कॉस π/6 का, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली π/6 आ जाएगा, चूंकि π/6 क्या है, इस रेंज में लाई करता है, 0 से π के बीच का वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, 5 क्या बोलता है कि आप इसकी वैल्यू निकालो, 2 sec inverse 2 sin inverse 1/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर इधर देखो हिंदी में लिखा हुआ है, ये वही चीज है, हाँ, तो इतना ही आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 sec inverse, ठीक है, अब 2 में सेक में 2 का वैल्यू कितना मिलता है, तो आपको वो मिलेगा sec 60°, sec 60° क्या होता है, 2 होता है, तो मैं 2 को हटा करके लिख दिया sec 60, ठीक है, प्लस sin inverse 1/2, साइन के टर्म में कब होगा, तो sin 30° का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको कि साइन इनवर्स है तो साइन के टर्म में ढूंढिएगा, सेक इनवर्स है तो सेक के टर्म में। इससे फायदा ये होगा कि सेक इनवर्स सेक आपका आइडेंटिटी बनेगा, तो बचेगा क्या, 2π/3, ठीक है, ये इलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो π/3 बचेगा, प्लस यहां भी देखो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, π/6, ये आपका हो गया 2π/3, ये हो गया मेरा π/6, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4π और यहाँ पे 5, यानी आपको जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5π/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो कल करेक्ट है। आगे देखिए फिर आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो tan inverse -√3 का। तो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है रेंज का वो क्या होता है, वो होता है -π/2 से π/2, ध्यान दीजिएगा ये सब बात, ठीक है, सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan inverse -√3 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -tan 60° है ना, π/3, tan 60° का वैल्यू होता है ना, tan जो 60° है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं tan π/3, इसका वैल्यू क्या होता है, √3। तो √3 को हटा के मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, इससे क्या हो गया, इससे आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स, और अंदर में मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ tan -π/3, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया है कि tan -θ क्या होता है जी, -tan θ होता है, यानी इस माइनस को हम अंदर कर सकते हैं, ठीक है, तो अंदर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो ये और ये आपका हट जाएगा, तो आपको यहाँ से -π/3 बच रहा है, जो कि इस रेंज के अंदर लाई करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है -π/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या बोलता है, 7 बोलता है कि सेट 1 2 3 है, रिलेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हो 1 1 2 2 3 3, तो नो डाउट अगर हम लोग देखें तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है।
अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 3 है और 3 2 है, तो यहाँ पे आपको 3 3 को हटा देंगे तो 1 2, तो ये भी है, यानी ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। बट ये ट्रांजिटिव नहीं है ना, सॉरी ट्रांजिटिव है ये, 1 3 3 2, इसको आप मिलाओगे तो आपको 1 2 मिल रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर आपका ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, फिर आपका ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, साइमेट्रिक ये नहीं है। आप देखो जैसे यहाँ पे 1 2 इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, बट इसका उल्टा 2 1 इसमें नहीं है, 3 2 का उल्टा 2 3 नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है, साइमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट साइमेट्रिक नहीं है। तो ये बहुत आसान है, इस तरह का हमें बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो फिर क्या है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8। 8 में क्या बोलता है कि कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ ए इन ए हैव द सेम इमेज इन बी इज कॉल्ड। तो डेफिनेशन है सिंपली, क्या बोल रहा है ना कि मान लो कि आपके पास में इधर ए है और इधर आपके पास में बी है, ठीक है। अब इधर जो है एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज है बोल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इस तरह से, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो मैनी वन होता है। तो यहाँ पे ये मैनी वन फंक्शन का डेफिनेशन है कि अगर ए में दो या उससे ज्यादा एलिमेंट एक ही जगह मैप करेगा तो वो क्या होता है, वो मैनी वन होता है, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे, बहुत लॉलीपॉप चीज है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। यहाँ पे 9 क्या बोलता है, 9 आपको बोल रहा है कि एक रिलेशन आर है, ठीक है, सेट ए में, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या होगा। तो ये तो काफी लॉलीपॉप है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है। 10 देखेंगे हम लोग, तो 10 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक है। देखो एफ एक्स इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो बोलता है इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एफ एक्स है वो क्या है, वो इज डिफाइन, ये डिफाइन होता है फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं ना, माइनस प्लस जीरो कुछ भी, तो उसका एक वैल्यू आएगा। तो यानी ये किसी भी एक्स के लिए डिफाइन है। सो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो जाएगा रियल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब रेंज की बात करो तो हम लोग देखो जो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये क्या होगा, ये कभी निगेटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे आप एक्स को कुछ भी रखो, माइनस भी रखोगे तो स्क्वायर होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जीरो रखने से ये जीरो भी हो सकता है, तो ये या तो जीरो होगा या तो किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। -1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, -3 रखोगे तो उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, -5 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो यानी ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका जो रेंज है वो सिंपल हमको दिख रहा है कि पॉजिटिव है, ठीक है। यानी या तो जीरो मिलेगा या तो क्या मिलेगा, या तो जीरो से बड़ा मिलेगा, यानी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे देख सकते हो आप कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो रेंज जीरो से इन्फिनिटी होगा। तो इसको देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना, ये गलत दिया है चारों। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक और तरीका होगा कि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और बट जीरो भी तो मिलेगा, जीरो भी मिल सकता है। अगर मैं एक्स को जीरो ले लूँ तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता था, बट यहाँ पे कोई ऐसा दिया नहीं है। ये अगर इसको ऐसे कर देंगे तो ये कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। लेकिन ये ऐसे लिखा नहीं है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है, तब ये करेक्ट होगा। तो अभी इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। चलो हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो, अब आपका आ रहा है यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है फिर से, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ए आपको 1 2 3 दिया हुआ है, बी 4 5 6 7 दिया हुआ है, और फंक्शन दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6। तो बोलता है कि ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसको शो कीजिए कि ये 1 1 है, ठीक है। इसको इजीली दिखा सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे गिवेन, ये गिवेन है मेरा, क्या गिवेन है, एफ इज इक्वल टू 1.4, 2.5 और 3.6, ठीक है। तो इन मैपिंग, इसको अगर हम मैपिंग में देखें
तो मैपिंग में देख सकते हैं, तो इधर मैं ले लूँगा सेट ए, इधर मैं ले लूँगा सेट बी, ठीक है, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया। तो ए के पास में कौन कौन सा एलिमेंट है, इधर है 1 2 3 और इधर है आपका 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। और मैपिंग कैसा किया हुआ है, मैपिंग किया हुआ है 1 का 4 से, 2 का 5 से और 3 का 6 से, ऐसे मैपिंग है। तो क्लियरली क्या है, ये 1 1 करस्पॉन्ड है, ठीक है, क्लियरली क्लियरली इट इज 1 2 1 करस्पॉन्ड, मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मैप कर रहा है, 1 1 करस्पॉन्ड करस्पॉन्ड्स, ठीक है। तो अगर 1 1 करस्पॉन्ड है तो ये क्या होगा, ये आपका 1 1 फंक्शन होगा, हेंस इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज 1 1 फंक्शन, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्लियरली एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक एंड ए फिक्स्ड इमेज इन बी, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन बी, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका तरीका ऐसे भी है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्लियरली क्लियरली एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट एलिमेंट इन ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो अगर ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का बी में डिस्टिंक्ट इमेज है तो ये क्या होता है, तो आपका ये 1 1 होता है, देयरफॉर एफ इज 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो और आपका ये प्रूफ हो जाएगा, काफी सिंपल था, ठीक है जी। चलो आगे देखो फिर क्या है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको है, आपको शो करना है कि ये जो है ना इक्वल टू दिस होगा, ठीक है। तो काफी सिंपल है ये, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। देखो क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कि बस देखते जाओ, हाँ अगर आप ने इसको पढ़ा हुआ है तो आप इसको एक बार जस्ट रिवाइज करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली काफी सिंपल है, आपसे बनना चाहिए और पूरा यकीन है कि आपसे बन ही जाएगा, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे सिंपल हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी, ये क्या होता है, ये होता है हम लोगों का टैन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस a इंटू बी, इसको बस अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंस, देयर फॉर एल एच एस में ले सकता हूँ, एल एच एस में क्या है आपका है टैन इनवर्स 2 बाई 11 प्लस टैन इनवर्स 7 बाई 24, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कीजिए मोहब्बत से, हाँ, तो फॉर्मूला लगाइए जैसे ऊपर में लिखे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बाई 11 प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7 बाई 24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 7 बाई 11 इंटू 24 आ जाएगा, ठीक है, ये होगा सिंपली। अब देखो अब यहाँ पे हमको सिंपली इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, तो क्या आएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा टैन इनवर्स, देखिए ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये मेरा हो जाएगा 77, ठीक है, नीचे आपका आ जाएगा 11 इंटू 24। इसी तरीके से नीचे जाओगे तो यहाँ पे 11 इंटू 24 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ढंग से करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22 यानी आपका 244 आ जाएगा, ठीक है, 264 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 11 को 24 से, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हो 11 4 जा 44, 4 बज गया, 11 2 जा 22 और 4 26, ठीक है, माइनस 7 2 जा 14 और नीचे एलसीएम आपका वही आएगा 11 इंटू 24। अब देखो आपका ये टर्म जो है कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, तो बच रहा है मेरा टैन इनवर्स, ऊपर में क्या बचेगा 8 7 5, ठीक है, 15 और 4 7 11, तो 125 बच रहा है, नीचे देखोगे क्या बच रहा है, तो नीचे में आपका देखोगे 250 बच रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 125 है 250 यानी ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, चूंकि आप 2 से कट करोगे तो नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको यही प्रूफ करना था ना, तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना है और आपका ये इजिली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बनाना था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, है ना। आगे देखो फिर क्या है जी, यहाँ पे देखो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको यहाँ पे बोलता है कि फाइंड गॉफ एंड फॉग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ जी। अच्छा ये तो अभी लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है हम लोगों का, ये हम लोगों का
लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, बट आपको दे दिया है। तो ये भी तो थोड़ा देखो, थोड़ा सा जेसी आरटी ध्यान नहीं दिया, अब आपके किस पर्पज से ले रहा है, हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी बोलता होगा। हालांकि मैंने इसको पढ़ाया है, मेरा जो एडवांस वाला टॉपिक है मैंने उसमें डाल दिया, चूंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में ये नहीं है। बट होता देखो काफ़ी सिंपल है, क्या होता है हम लोग बात करें तो, अगर मैं बात करूँ जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालें तो पहले क्या है, पहले आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है वो जी है, तो जी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का पावर 1/3 है। जी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का पावर 1/3, यानी जो भी इनपुट है एक्स वो बाहर आकर के पावर 1/3। तो यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या है, वो है एफ एक्स, ठीक है। इसको बाहर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स का पावर 1/3। अच्छे से समझिएगा ना, मतलब जैसा जी को डिफाइन किया गया है कि जी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 है, तो जी एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का पावर 1/3। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दिया है एफ एक्स से, ठीक है। अब ये एफ एक्स आपको गिवेन है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 8x³, यहाँ पे डाल दो तो 8x³ का पावर 1/3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2x³, चूंकि 2 का पावर 3 आपका 8 होता है, ठीक है। अब फिर इसका हो जाएगा पावर 1/3, तो ये 3 3 आपका कैंसिल होकर के फाइनली आपको 2x बचेगा। तो जी ऑफ एफ निकालना काफ़ी आसान है। इसी तरीके से एफ ऑफ जी निकलता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब आपने इसको पढ़ा नहीं है बट मैंने आपको बता दिया, जस्ट ऐसे ही करना है। इसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स आ गया, तो आपको देखना है कि फंक्शन कौन सा यूज होगा, एफ का, ठीक है। तो एफ का फंक्शन कैसा है, 8x³ है, यानी क्या, यानी एक्स डालने से अगर एक्स इनपुट है तो आउटपुट क्या है, 8x³। तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दीजिए जी एक्स से, तो जी एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 GX³ हो जाएगा। बात समझ में रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हम डालेंगे एक्स डालने से, एक्स एफ के अंदर एक्स डालने से 8x³ निकलता है, तो अगर मैं एफ के अंदर जी एक्स डालूंगा तो 8 GX³ निकलेगा, जैसा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल से चीज़ें थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो, अब यहाँ पे ये 8 हो गया, जी एक्स का वैल्यू क्या है, तो ये है एक्स का पावर 1/3, सो इट इज़ एक्स का पावर 1/3 × 3, तो ये आपका 3 3 कैंसिल होगा, तो आपको फाइनली 8x बच रहा है। इस तरीके से मेरा जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकल गया है, काफ़ी सिंपल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा, और इसको सीख लीजिए। इसलिए कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आ जाता है, तो हम इसके लिए ये बहस नहीं करेंगे कि ये सिलेबस में नहीं है। हालांकि सिलेबस से पूछना चाहिए, बट हो सकता है कि आपको जेईई मेन वगैरह के लिए आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी आपको तैयार करने को कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है और मुश्किल नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा। जितना चीनी डालेंगे ना उतना मीठा होता है, ठीक है। जितना शुगर ऐड करोगे उतना स्वीटनेस आएगा, तो जितना पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन 14 कैसे करेंगे हम लोग। 14 नंबर में ना यहाँ पे आपको 2 tan inverse 1/2 + this = इतना प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आपको पहले जैसे हम ऊपर किए थे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट पहले ये 2 tan inverse को हम लोग क्या करेंगे, tan inverse में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका भी देखो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि tan inverse 2 tan inverse x, ठीक है। इसको आप कैसे लिख कर सकते हो, इसको आप अगर tan inverse में कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, tan inverse 2x/1 − x², ठीक है। ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया है, पढ़ा दिया है, तो बस इसका अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 tan inverse 1/2 है, तो अगर मैं x के प्लेस पे 1/2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan inverse 1/2, ऐसे लिख देना, ठीक है। कि सिंस ये इक्वल टू दिस होता है, देयर फोर 2 tan inverse 1/2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan inverse, ठीक है, 2 x के प्लेस पे 1/2 और नीचे में 1 − 1/2 का² यानी 1/4, ठीक है। यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा, ऊपर में देखो बच रहा है यहाँ पे 1 और नीचे ये 3/4 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4/3, ठीक है। तो ये आपका 2 tan inverse 1/2 ये आ गया। तो अब मैं यहाँ से LHS पे जा सकता हूँ, LHS क्या है, तो LHS ये पूरा टर्म था, ठीक है, क्या था, 2 tan inverse 1/2 और प्लस आपका था tan inverse 1/7, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हटाएंगे तो ये लिख देंगे tan inverse 4/3, ठीक है जी, प्लस
यहाँ पे हम लोग का क्या है टैन इनवर्स 1/7। अब देखिए, अब सिंपल इसका फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, वही अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है टैन इनवर्स 4/3 + 1/7, दोनों ऊपर में ऐड कर देंगे और नीचे में 1 - 4/3 × 1/7 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू देखो आएगा टैन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7 × 4 = 28 और 3 = 31, तो 31/28। ठीक है, 31/28 आएगा और नीचे में यहाँ पे आपका एलसीएम 7 × 3 वही 21 होगा, तो 21 और -4, 21 - 4 / 28। ठीक है, ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे आपका देखो 28 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऊपर में 31 और नीचे में 21 - 4 क्या आ गया, 17 आ गया। ठीक है, तो फिर एग्जैक्टली यही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि LHS मेरा क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया और आपका आसानी के साथ में प्रूफ्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो बहुत ही आराम से करना है, सिर्फ LCM वगैरह करना है और सिर्फ फॉर्मूला आपको छोटा सा अप्लाई करना था, तो कोई बड़ी क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे सेक्शन डी आ रहा है, थोड़ा ये लॉन्ग आंसर टाइप है बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स का है तो आपको ज़्यादा नंबर दिलाएगा, तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना, तो आपके रिविजन पर्पज से है, तो आप यहाँ पे इसको खुद से ट्राई करो, आप ट्राई करोगे आपसे बनेगा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा सब कुछ तो आपसे ये ज़रूर बनेगा। और देखो, अगर ये सब कमज़ोर है तो आप जा करके NCERT का सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का देखिए मेरा, जो मैंने आपको कराया है, तो आपको ये भी इजी लगेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आपका देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। 15 बोलता है कि आपको दो सेट दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है रियल -3 और बी आपका दिया हुआ है रियल -1। ठीक है, और फंक्शन लिया गया है ए टू बी और डिफाइन किया गया है fx = x - 2/x - 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो बोलता है कि शो दैट एफ इज, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है बाइजेक्टिव होगा ना, ऑब्जेक्टिव तो कुछ होता नहीं है, ये क्या होगा, ये आपका होगा बाइजेक्टिव। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे मिसप्रिंट है बट कोई उपाय, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग को तो करना ही है। तो बाइजेक्टिव है यानी 1/1 ऑन टू, तो 1/1 ऑन टू को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, यानी आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1/1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, बहुत सिंपल है प्रूफ करना, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना कैसे करेंगे। पहले 1/1 करने के लिए तो आपको पता है कि कैसे करते हैं 1/1, तो फॉर 1/1 1/1 साबित करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, लेट कंसिडर कर लेंगे हम लोग कोई दो एलिमेंट x1 और x2, कहाँ से, पहले सेट से, ए से दो एलिमेंट ले लेंगे x1 और x2। ठीक है, और सपोज करेंगे क्या कि fx1 क्या है, fx2 के इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि 1/1 साबित करने के लिए ये करना पड़ता है कि हमको दिखाना पड़ता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज भी क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप fx1 और fx2 यानी दो इमेज को इक्वल ले लो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से साबित हो जाएगा कि ये 1/1 होता है। ठीक है, तो यही तरीका है, तो पहले आप इसको लीजिए। अब fx1 क्या हो जाएगा, तो देखो fx दिया हुआ है x - 2/x - 3। ठीक है, तो fx1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 - 2/x1 - 3 और fx2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 - 2/x2 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x1 x2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, x1 x2 - 3x1 - 2x2 और +2 = 3 = 6, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा आपका x1 x2 - 2x1 - 3x2 और +6। अब देखो यहाँ पे x1 और x2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका बच रहा है 2x, हम लोग क्या करते हैं 3x1 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 3x2 - 2x2 = 3x1 - 2x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा x2 = x1। तो अब यहाँ से देखो बहुत जल्दी आपका आ गया कि क्या आ गया जी, दिस इम्प्लाइज x1 = x2। ठीक है, यानी कि हम लोग दो इमेज को इक्वल लिए थे तो हमको उसका प्री इमेज भी इक्वल दिख रहा है, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आप सिंपली लिख देना कि f क्या है हमारा, 1:1 है। ठीक है, तो 1/1 प्रूफ करने के लिए यही करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया हुआ है।
अब देखो यहाँ पे ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ऑन टू प्रूफ करने का क्या तरीका होगा, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए ना आपको सेट्स को देखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सेट क्या दिया हुआ है, तो इधर एक सेट है मेरा, एक सेट मेरा इधर है ए, और एक सेट मेरा इधर है बी, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ए जो है ये ए है, ये बी है। ए जो है वो आपका है रियल माइनस थ्री, रियल में थ्री नहीं है, और बी जो है वो आपका है रियल माइनस वन, ठीक है जी। अब देखो जो आपको, जैसे मान लो इसमें अगर कोई एक्स होगा तो इसका इमेज किस में बनेगा, इसमें बनेगा एफ एक्स बनेगा, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब देखो एक्स जो हमको दे रखा है, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को जो एफ एक्स दे रखा है ना, तो एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इनपुट है, जो डोमेन है, वो एक्स कभी भी थ्री नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए नीचे वाले में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी थ्री नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर थ्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। नीचे थ्री होगा एक्स, तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा, तो समथिंग बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ऐसे केस में एफ एक्स आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डोमेन बिल्कुल सही लिया है, रियल माइनस थ्री, मतलब हम थ्री नहीं ले सकते। सब कुछ ले सकते हैं बट हम थ्री नहीं ले सकते, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको को डोमेन लिया गया है, वो लिया गया है रियल माइनस वन, यानी आप रियल कुछ भी ले सकते हो बट आप वन नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ऑन टू को प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इसको वाई कॉल करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ठीक है। फिर यहाँ से आप वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, आप इसको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकालो, यहाँ से x को अलग करो। तो कैसे करेंगे, क्रॉस करिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, ठीक है जी। यहाँ से x को निकालने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ से हम लोग का ऐसे आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, और यहाँ से फाइनली x क्या आ जाएगा, 3y माइनस टू डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, ठीक है। देखो अब ये x आया है, तो x हम लोग जो देख रहे हैं ना, जो आया है उसमें डेफिनेटली y कभी भी क्या है, आप देखोगे कि y कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डेफिनेटली आपका जो रेंज, जो आपका कोडोमेन दिया है उसमें 1 हटाया गया है, तो अगर ये 1 होता तो ये अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल ये किस में आ रहा है, आपके कोडोमेन में आ रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे हम y कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम x के डिफाइन होने की बात करें तो हम y कुछ भी रख सकते हैं सिवाय 1 के। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि x इज डिफाइन फॉर ऑल रियल x एक्सेप्ट 1, ठीक है। मतलब मैं 1 नहीं रख सकता, उसके अलावा सब कुछ रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेटली जो रेंज बन रहा है, यहाँ से आपको रेंज मिल जाएगा। मैंने बताया था तरीका कि रेंज क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा रियल माइनस वन, ये रेंज आ गया, ठीक है, कि आप कुछ भी रख सकते हो बट वन नहीं रख सकते। अच्छा यही देखो, यही क्या है, यही आपका कोडोमेन है। आप अगर देखिएगा तो सेट में यही हमको कोडोमेन दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये ऑन टू प्रूफ करने का काफी अच्छा तरीका है कि आपका जो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स था, वहां से आप एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल लीजिए और देख लीजिए कि एक्स जो आपका डिफाइन हो रहा है वो किस वैल्यू पे हो रहा है। जो भी वैल्यू पे होगा वो आपको रेंज देगा, और अगर वो कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ये ऑन टू होता है। तो यहां से आप बोल सकते हो देयरफॉर क्या, कि एफ जो है आपका वो 1 1 भी है और क्या है, और आपका ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप एफ मेरा क्या है, एफ मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है, काफी जल्दी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तरीका और भी होता है, मैं आपको भी बता देता हूँ। मान लो आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे अगर ये, चलो ये मत लिखना, इसको हटा दो, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसके बाद आप ऐसे लिखना, ठीक है, कि क्लियरली ऐसे आप बोल देना, क्लियरली फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू रियल माइनस वन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल माइनस थ्री। मतलब ये कोडोमेन से मैं कोई भी वाई लूंगा तो उसके लिए मेरे पास में एक्स है डोमेन के पास में, दैट सच दैट
एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दोगे तो ये भी आपका ऑन्टो का डिफिनेशन होता है, क्योंकि हम लोग ऑन्टो में ये बात पढ़े थे कि ऑन्टो कोई फंक्शन कब होता है, जब हम लोग को डोमेन का कोई भी एलिमेंट लें वाई, तो उसके लिए हमको डोमेन में एक्स मिलना चाहिए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई मिल जाए, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है जो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑन्टो हम लोगों को दिख रहा है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और आप बोल सकते हो कि देयर फोर क्या होगा, देयर फोर एफ इज ऑन्टो, ठीक है। और एफ वन वन भी हो गया, ऑन्टो भी हो गया, तो ये कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो दोनों तरीका है आपको ऑन्टो प्रूफ करने का, तो आई होप आप लोगों ने इसी तरीके से किया होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में आपको ये आपको फिर से टेन इनवर्स का है, ठीक है। सारा ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको टेन इनवर्स का पूछा गया है, तो चलो थोड़ा जगह बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जगह बना लेते हैं। और इसको आप ट्राई कीजिए, हाँ खुद से ट्राई कीजिए, दो दो का ग्रुप लेकर के जो हम लोगों ने टेन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसको अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली ये आपको आसानी के साथ में बन जाएगा, ठीक है जी। देख लेते हैं यहाँ पे कैसे होगा सो, ओके। तो ग्रुप कर लें तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, और इन दोनों को अलग से लेकर के फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो हम लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एल एच एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, इन दोनों का अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टैन इनवर्स, ठीक है, 1/5 है, 1/7 है, तो 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 इंटू 1/7, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 35, ठीक है। प्लस फिर आप इन दोनों को अप्लाई कीजिए, तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस ये 1/8 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24, ठीक है, इस तरीके से। अब चलो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12/35, ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 34/35, ठीक है, 34 है, हाँ अच्छा इधर ही हो गया। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर में आपका आ जाएगा 11/24 और नीचे आपका आ जाएगा 23/24, ठीक है जी। यहाँ 24 कैंसिल होगा, यहाँ पे 35 कैंसिल होगा, फाइनली क्या बच रहा है मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका बच रहा है टेन इनवर्स 12/34, ठीक है, प्लस क्या बचेगा, प्लस टेन इनवर्स 11/23, ठीक है। इसको हम 2 से कट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो टेन इनवर्स मैं लिख सकता हूँ इसको क्या, 6/17, ठीक है, 2 से कट कर दिए और यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 11/23। अब तो फिर जो है दो आपका टेन इनवर्स का आ गया है फंक्शन, तो इसका सम का फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर में आपका आ जाएगा 6/17 और प्लस 11/23, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 6 से कीजिएगा तो 66 आएगा, ठीक है, और 17 को हम लोग 23 से करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 391, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए 391 आता है, ओके। ये चलो हो गया, अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर देखिए 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138, ठीक है जी, प्लस 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 हो जाएगा, ओके, और नीचे आपका हो जाएगा 17 इंटू 23 वही आपका 391 आएगा, ओके। और फिर यहाँ पे 391 माइनस 66 और इसका जो डिवाइड है वो भी आपका वही है ना, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका है 391, ठीक है। इस तरीके से पूरा टेन का फॉर्मूला मिलेगा टेन इनवर्स का, तो ये 391 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा मैं लिख देता हूँ, टेन इनवर्स बचेगा 138 और 187 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 325, और नीचे इसमें भी हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये भी वही होगा 325, ठीक है। तो आपका कैंसिल होकर के 1 बच रहा है, तो टेन इनवर्स 1, इसको टेन इनवर्स 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाई 4 बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आर एच एस यहाँ से प्रूफ्ड हो जा रहा है, क्लियर। तो आसान है, बस सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, काफ़ी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से करना था, तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें रिवीजन पर्पज से काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे। आई होप आप लोगों ने इसी तरीके से किया होगा, आपका नंबर भी मैक्सिमम आया होगा, नहीं तो आप आगे जो रेल का टेस्ट होगा उसके लिए तैयारी अच्छे से कीजिए, ताकि आने वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स आएँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।